हेलो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी व्रत के लिए चीला जिसके लिए आपको लेना है साबुदाना और इसको कर लेना है ग्राइंड साबुदाना जब ग्राइंड हो जाए तो इसे बाहर निकालना है और इसको क्या करना है आपको अलग एक बर्तन में रख लेना है फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मूंगफली लेनी है ये फ्राइड मूंगफली है और इसे भी प्रॉपर ग्राइंड कर लेना है घी में फ्राई की हुई मूँगफली है ये अभी जो आपने साबुदाने को ग्राइंड किया हुआ था उसको आपको भुनना है लाइट ब्राउन कलर आ जाए तब तक आपको इसको हल्का हल्का करके भूनते रहना है साबुदाना जब भुन जाए तो इसको एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए फिर उसमें ऐड करनी है। आपको मूंगफली ग्राइंड की हुई कुछ आलू हैं बॉयल्ड आलू मैश किए हुए वो भी आपको उसी में मिक्स करने हैं अब इसमें ऐड करनी है आपको कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया ठीक है फिर आपको इसमें साथ में सॉल्ट ज़ीरा और दही भी ऐड करनी है आप ये देखिए मैंने इसमें दही भी डाल दी है और ये है कुट्टू का आटा कुट्टू का आटा भी जितनी आपने दही डाली है उतना डालना है जीरा ऐड करना है ये सेंधा नमक है ठीक है सेंधा नमक को भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसमें और ये काली मिर्च है बैटर को आपको अच्छे से ढक देना है फिर कुछ देर के लिए छोड़ देना है और फिर तब तक हम तैयार करते हैं रायता खीरे के रायते के लिए लेनी है दही दही में ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च काली मिर्च लाल मिर्च भी ऐड करूँगी ठीक है फिर इसमें मैं नमक ऐड नमक करूँगी जो कि है सेंधा नमक और ये है भुना पीसा जीरा फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मैं कटे हुए खीरे कटे हुए खीरे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी रायतों को तड़का देने के लिए आपको पैन में लेना है थोड़ा सा घी और इसमें आपको ऐड करना है जीरा और हरी मिर्च और साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलें और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भुने अब इस तड़के को आपने जो रायता बनाया हुआ है उसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है ये तैयार हो गया व्रत का रायता चीले के साथ खाने के लिए अब हम देख लेंगे बैटर ये हमारा बैटर रेडी है बिल्कुल अच्छे से अब इसको आपको क्या करना है थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया था तो मैंने हल्का सा पानी डाल के इसे और लाइट किया है बनाने के लिए आपको घी को अच्छे से वो कर देना है फैला देना है पैन पर और फिर इस तरह से आपको सीला बनाना है बीच बीच में ढक कर पकाना है जब तक ये अच्छे से बन ना जाए और अभी तैयार हो गया है हमारा सीला रायते के साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय